उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स में 6 लाख से अधिक स्टूडेंट ने जो है अपना आवेदन किया है, उन लोगों के कमेंट्स जो हैं लगातार जारी हैं और उसको जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना हमारा उद्देश्य बनता है, क्योंकि आपका यदि आपको परेशानी होती है तो उसके लिए सुविधा आप लोगों के लिए हमारे चैनल पर कराई गई है, क्योंकि यूपी बीएड एंट्रेंस को लगातार कवर करते आ रहे हैं हम पिछले विगत वर्षों से, और इस बार का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम्स है वो फिर से लास्ट ईयर की तरह कोविड की चपेट में आ चुका है। लेकिन दोस्तों अब अच्छी खबर ये है कि इसके लिए जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी से जैसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कुछ जो है संकेत दिए हैं आपके एग्जाम्स को लेकर के कि कब आपका एग्जाम्स होगा और कैसे ये एग्जाम्स जो है कंडक्ट कराया जाएगा, और साथ ही साथ एपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इसमें क्या समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट के बारे में। तो इसकी डेट को लेकर के जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की ओर से बताया गया कि आपकी कोविड की सिचुएशन जो है अब धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है और उसको देखते हुए ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उसकी तिथि की घोषणा जो है आपकी जून के लास्ट वीक में आपकी की जाएगी। लास्ट वीक में तब तक जो है आपका लॉकडाउन और कर्फ्यू पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा सभी डिस्ट्रिक्ट्स में यूपी के, और तब आपकी जो है डेट यहाँ पर अनाउंस की जाएगी। तो डेट का जो संकेत है वो यही है कि जुलाई के लास्ट वीक में आपका हो जाए या फिर आपका जो है अगस्त तक आपका हो जाए। तो अगस्त में ये जो आपका एग्जाम्स होगा ये 15 अगस्त तक आपका हो जाएगा निश्चित ही। तो आप लोगों के बीच जो है यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं बचता है, अब आपकी जो है तैयारी करने का समय है, क्योंकि पहले भी आपका समय जो है काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो चुका है आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक किसी भी एग्जाम्स की डेट आपके सामने नहीं आती है तो आपका जो मन है वो ये स्वीकार नहीं करता है कि ये एग्जाम्स होगा या नहीं होगा या इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। तो आपके लिए एक तरीके से डेट ये ऑफिशियल ही मान करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो निश्चित हो जाएगा 15 अगस्त तक, तो आपको इसकी तैयारी के लिए जो है प्रतिबद्ध हो जाना चाहिए। यहाँ पर यदि बात की जाए कि अपीयरिंग स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने यहाँ पर पीजी या यूजी में अपना जो है अपीयरिंग से फॉर्म डाला हुआ है उन लोगों के लिए समस्या क्या रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने इस कमेंट्स को जो है हाईलाइट किया है। तो अभी जो है विभिन्न यूनिवर्सिटीज हैं, मेरे ख्याल से 1% यूनिवर्सिटीज भी ऐसी नहीं है जिनके एग्जाम्स हुए हों, क्योंकि मार्च के शुरू से ही आपका कोरोना का जो है यहाँ पर कहर आ चुका है और मोस्टली स्टूडेंट जो हैं यूपी से बिलोंग्स करते हैं। यूपी में पंचायत चुनाव भी आपके हुए थे मार्च में, तो यहाँ पर अप्रैल में आपके पंचायत चुनाव हुए थे और मार्च से ही आपका यहाँ पर कोरोना की समस्या हो गई थी, तो जिसको लेकर के एग्जाम्स की जो तैयारी थी वो बिल्कुल तहस नहस हो गई थी और अभी तक ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स नहीं हुए हैं, तो 1% भी एग्जाम्स अभी तक यहाँ पर क्लियर नहीं हुए हैं। 10th और 12th के एग्जाम्स भी आपके नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर जब आपके एग्जाम्स नहीं हुए हैं तो यूनिवर्सिटी भी तैयारी में है कि या तो आपके अगस्त में आपके एग्जाम्स कराए जाएं, और ये जो एग्जाम्स है क्योंकि काफ़ी लंबे चलते हैं तो सितंबर तक आपके हो जाते हैं। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी टाइम्स लेती है आपका रिजल्ट घोषित करने में। तो रिजल्ट घोषित होगा आपका यहाँ पर जा कर के अक्टूबर के माह में, जो यूनिवर्सिटी अगस्त में एग्जाम्स ले लेगी हालांकि वो सितंबर में आपका रिजल्ट जो है घोषित कर सकती है। यूनिवर्सिटी का फोकस यही रहता है कि फाइनल ईयर वालों का, यानी कि जो अपीयरिंग स्टूडेंट जिनको हम बोल रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, उनका रिजल्ट जो है पहले घोषित किया जाए। लेकिन यहाँ पर फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट जो है यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, जिसको लेकर के छात्र जो है काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं। काउंसलिंग का मतलब मेरा ये है कि क्योंकि आप समझ सकते हैं जब यहाँ तक आपका एग्जाम्स हो जाएगा उसके तुरंत 15 या 20 दिन बाद आपकी जो है काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, और जब 20 दिन बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होगी यानी कि सितंबर के शुरू में, तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट नहीं आया हुआ होगा, तो उन लोगों के लिए समस्या हो सकती है। ऐसा आप बिल्कुल ना मानिए कि आपका एडमिशन नहीं होगा, आपको जो है डायरेक्ट एडमिशन का मौका मिल जाएगा, लेकिन ये है कि जिनकी रैंक अच्छी होती है वो गवर्नमेंट सीट से थोड़ा वंचित रह जाते हैं रिजल्ट के कारण।
तो यहाँ पर जिन लोगों ने अपीयरिंग से भरा हुआ है उन लोगों के लिए थोड़ी समस्या होगी, लेकिन आपको जो है एंट्रेंस की तैयारी जोर शोर से करनी चाहिए। कैसे मिलेगी गवर्नमेंट सीट? गवर्नमेंट सीट के लिए केवल आपको लिए जो है दो प्रकार की प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी। एक तो देखिएगा, आपको जो है सही समय पर सही पढ़ाई करनी पड़ेगी, सही समय का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अब समय आ चुका है आपकी पढ़ाई के लिए। और इसमें पढ़ाई के लिए आपको जो है जो आपका सिलेबस है, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम ओरिएंटल आपकी जो है, अब यहाँ पर क्लासेज भी होंगी, 30-30 क्लासेज प्रत्येक सब्जेक्ट की होंगी और आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ वगैरह भी मुहैया कराई जाएंगी। तो यहाँ पर एक तो ये बनता है, दूसरा है आपको जो है यहाँ पर सही समय का सदुपयोग करना है और अपने जो है सिलेबस को कंप्लीट करना है एक टारगेट बना करके 30 से 40 दिन का। और यहाँ पर आपका जो पहला पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अहम होता है और इसी में जो है आपको जो है मार्किंग करनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये जो पेपर फर्स्ट होता है इसमें आपका जीके होता है और दूसरा जो आपका होता है हिंदी या आपकी जो इंग्लिश लेंगे लोग उनके लिए इंग्लिश का पार्ट होता है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर बनते हैं। यदि यहाँ आप जो है 75+ क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपका जो है गवर्नमेंट सीट के लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। दूसरा जो आपका लिए होता है पेपर टू, पेपर टू में जो आपका पार्ट होता है रीजनिंग, रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और रीजनिंग के लिए आपको जो है 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इन 50 में से आपको तैयारी ऐसी रखनी चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन थोड़ा टाइम उन क्वेश्चंस में ज़्यादा लगता है कि 40 क्वेश्चंस के आसपास आप जो है इसमें कर सको तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपका, क्योंकि पेपर टू का जो आपका पार्ट टू होता है वो होता है आपके सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में जो है साइंस वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, कॉमर्स वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, एजी वालों के लिए दिक्कत होती है, हालांकि आर्ट वालों के लिए थोड़ा ये जो है आसान पड़ जाता है, लेकिन फिर भी ये है कि अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं हो पाते हैं। तो आपको तैयारी इस तरीके से करनी है कि आपको पेपर फर्स्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाया जाए, उसके बाद रीजनिंग में, और अपना जो सब्जेक्ट है उसको भी थोड़ा सा ठीक तरीके से पढ़ लें, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है 25 से 26 क्वेश्चंस ही कर पाते हैं। तो दोस्तों ये तीन पार्ट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सामान्य ज्ञान, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चुनोगे, और तीसरा है रीजनिंग का। तो इसके लिए आपको जो है लगातार क्लासेज मुहैया कराई जाएंगी। आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा, यदि कंफ्यूजन है तो बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।